रचिला भारतीय बैडमिंटन टीम। प्रथम थर पर जीतिला थोमास कप। 14 थरर चंपियन इंडोनेशिया को मात देला भारत। बहु प्रतीक्षार अंत इतिहास रचिला भारतीय बैडमिंटन दल। इंडोनेशिया को 3-0 रे हराई थोमास कप जीतिला भारतीय बैडमिंटन टीम। 14 थरर चंपियन इंडोनेशिया को बृहत व्यवधान रे हराई भारत आज ऐतिहासिक विजय हासिल करिछि। एथसहित 73 वर्ष पर प्रथम थर पर थोमास कप जीति भारतीय बैडमिंटन टीम। सेमीफाइनाल डेनमार्क को 3-2 रे हराई प्रथम थर पर थोमास कप फाइनाल रे प्रवेश करिथिला टीम इंडिया। प्रथम सिंगल्स मैच रे लक्ष्य सेन एंथोनी सिनिसुका को परास्त करिछंती। द्वितीय डबल्स मुकाबिलारे रांकी रेड्डी चिराग सेट्टी का जोड़ी 3 सेट रे अगुआ रही जीतापट हासिल करथिले। सेही परि तृतीय फाइनल मैच रे कादंबी श्रीकांत जोनाथन क्रिस्टी को हराइबा सह भारत पई ए स्वर्णिम विजय हासिल करछंती। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बड़ा अचीवमेंट आम प्लेयर जो मैंने कि गोटे बहुत बड़ा जिनस कले बैडमिंटन इम्प्रूवमेंट भी ये बहुत बड़ा आसो आगे यही भाई अचीवमेंट आगुरी के ना इंडिया आगुरी थॉमस कप सेमीफाइनल थे जाइए किंतु आज जो प्रदर्शन करके इंडोनेशिया भाया फॉर्मिडेबल टीम को हरईंटा बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया लेवल पर। हम सभी भारतीयों को खुशी का एक मौका दिया है और हम सभी भारतीयों को ये आज बड़ा गौरवशाली दिन है सभी भारतीयों को हमें इन खिलाड़ियों पर घर पे। थॉमस कप रा 73 वर्ष रे इतिहास रे भारत केबे भी फाइनल रे पहुंची पारि नथिला। शेष थर पर 1979 मसीह रे प्रकाश पादुकन एवं सैयद मोदी सेमीफाइनल पर्यंत जाई डेनमार्क ठारु पराजित होइथिले। एही टूर्नामेंट 1948 पर ठारु खेला जाउथिले मध्य वर्तमान पर्यंत केवल इंडोनेशिया डेनमार्क एवं मलेशिया ए टूर्नामेंटर चंपियन रही आसिछंती। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक विजय ट्वीट करी भारतीय बैडमिंटन टीम को शुभकामना जणाइछंती। भारतीय बैडमिंटन टीम रो ई सफलता पाई 1 कोटी टंकार पुरस्कार घोषणा करिछंती केंद्र क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकुर। ब्यूरो रिपोर्ट।